सोलन का शांति बाईपास, जिसकी लंबाई महज 5 किलोमीटर है, जिसका निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन ये कब पूरा होगा इसको लेकर अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये बाईपास बन जाता है तो सिरमौर से आने वाले वाहनों को शहर में आने की जरूरत नहीं होगी, वे शहर के बाहर से ही रवौन बाईपास पर पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से जहां उनका समय बचेगा और शहर में भीड़ भाड़ भी कम हो जाएगी। लेकिन इस बाईपास के निर्माण में सरकारी मशीनरी ने जो औपचारिकताएं पूरी करनी थी उसमें बहुत समय जाया कर दिया। यही वजह रही कि महज 5 किलोमीटर का बाईपास बीरबल की खिचड़ी से कम साबित नहीं हो रहा है। अब इसके निर्माण कार्य पर कोरोना की छाया भी पड़ चुकी है। काम की अस्थिरता की वजह से लेबर यहां से पलायन कर चुकी है। कुछ चंद मजदूरों के सहारे ही अब इस बाईपास का निर्माण कार्य चल रहा है। अधिक जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता अरविंदर कुमार ने बताया कि उनका विभाग इस रास्ते को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते निर्माण कार्य में जुटे मजदूर यहां से पलायन कर चुके हैं। मजदूर मिल नहीं रहे हैं, इसलिए कुछ मजदूरों के माध्यम से ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाईपास में आने वाले छोटे ब्रिज को बनाने की प्रक्रिया जारी है और उन्हें उम्मीद है कि मार्च 2021 तक बाईपास का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और हिमाचल की जनता इसका लाभ उठा पाएगी। देखिए, जैसा आपको मालूम होगा कि इसका कार्य हमारा पूरे जोरों से चला हुआ था, लेकिन बीच में लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई और लॉकडाउन के बाद थोड़ा लेबर की स्ट्रेंथ कम हुई है। प्रयास जारी हैं और अधिक लेबर को लाने के लिए, हालांकि सरकार ने अनुमति दे दी है कि लाया जाए, लेकिन क्योंकि अब लेबर के अपने निजी उस पर निर्भर करता है, प्रयास जारी हैं कि और लेबर भी आए तो उनको काम पर डिप्लॉय किया जा सके। फिलहाल जो भी लेबर अवेलेबल है उसे क्रिटिकल पॉइंट्स पे कॉन्ट्रैक्टर को बोल के लगा दिया गया है और लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार पूरा प्रयास जारी है। इसमें एक और बात बताने की है कि ब्रिज का कार्य भी जोरों से शुरू हो चुका है और आजकल एक अबटमेंट का कार्य इस ब्रिज पर चला हुआ है और लगभग 10% कार्य हमारा हो चुका है। ये मेरा अनुमान है कि यदि कोई लेबर उपलब्ध हो जाए तो इसका मार्च तक हम पूरी उम्मीद रख के चले हैं कि कोई ब्रेक ना हो उसके बाद, तो मार्च तक इस कार्य को निपटा दें।